हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ ए रोड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया की चेंज होने की वजह से मोशनल ईएमएफ कैसे आता है। आज एक रोड की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, कैसे क्या होता है देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में सबके आ गई। ओके, यहाँ मैंने इस टाइप से एक रोड ले ली, कोई भी रोड, जनरली इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, और ये रोड इधर जा रही है वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहली बात ये आती है, होगा क्या, क्या इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा? आएगा तो किधर आएगा वो चेक करना है। ठीक है, वी वेलोसिटी से इधर जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किधर आएगा, ईएमएफ किधर आएगा। ईएमएफ की बात करें तो हमने पीछे निकाला ही था, क्या होता है बी एल वी, पी एल वी है ना, होता है। हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है बेटा, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो, मोशन इधर है तो इधर हो, करंट कहाँ जा रहा है, इंड्यूस करंट ऊपर, तो इंड्यूस करंट इसमें कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। आई क्या है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब इंड्यूस करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा, तो दिस इज एट हाई पोटेंशियल और दिस इज एट लो पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक रोड के दो हिस्से होंगे, एक हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पे, करंट की डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वही बातें हैं। तो करंट आ गया हमारे पास, क्या मेरी बात समझ में आई? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास करंट आ गया, अरे बोलो। ठीक है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास करंट आ गया। ठीक है, करंट कहाँ आया, ऊपर की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब करंट आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, नीचे की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया, नीचे, तो करंट आया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया, नीचे की तरफ। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स आया वो किधर आया, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो फोर्स कहाँ आया, ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कहाँ आया, ऊपर, तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ हो गया, ऊपर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्लियर है। दूसरी बात, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फील्ड के लिए, जो भी है। फिलहाल बात ये आती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नीचे है तो करंट ऊपर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कब तक करते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव और पॉजिटिव चार्ज ऊपर कब तक करता रहेगा, क्योंकि फोर्स किधर आ रहा है, नीचे, तो इलेक्ट्रॉन से फोर्स नीचे है तो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जब तक ये नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स को बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स मेरे ख्याल से डाउनवर्ड आना चाहिए, चेक करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये जस्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ अभी, कोई थ्योरी नहीं आई अभी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स चेक करते हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स, देखो फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, वी वेलोसिटी से इधर, फोर्स कहाँ आया, ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मोशन इधर, ये इधर, ऊपर। लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा, कहाँ आया, नीचे। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आया, नीचे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टिल
एफ ई एंड एफ बी बिकम्स इक्वल, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाए, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। हमने देखा राइट हैंड रूल से करंट निकाला, हायर लोअर पोटेंशियल, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाला, फिर लेफ्ट हैंड रूल से हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो करेंगे वो चेक करना है। तो फ्लो कब रुक जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई, तो ई ई। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बताओ, क्यू वी बी। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। ई से ई कैंसिल, ई इक्वल टू क्या आ गया, वी बी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी इक्वल टू ई एल, अरे ई इक्वल टू माइनस वी बाई डी पढ़ा होगा, डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो वहां से ई इक्वल टू वी बाई एल और v इक्वल टू ई एल कर सकते हैं। नाउ v इक्वल टू ई एल, एल इसकी लेंथ है, तो v इक्वल टू ई, ई क्या है, वी बी एल, तो v क्या आ गया बेटा, बी एल वी, और v क्या है, पोटेंशियल, v क्या है, पोटेंशियल, और यही क्या होता है, मोशनल ईएमएफ। V क्या होता है, मोशनल EMF। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट आए थे, ये डेरिवेशन थ्योरी का पार्ट है, तो सिर्फ इतना ही है कि दोनों फोर्स बराबर करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट वगैरह कैसे आया, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत आसान था, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। तो देखो इंड्यूस EMF हमारे पास क्या आ गया, बी एल बी, इंड्यूस्ड EMF और मोशनल EMF। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म। सुनो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, माइनस ई ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट है। मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, माइनस ई वी क्रॉस बी। यही बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि चार्ज नेगेटिव, ओके। नाउ नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों का वैक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। एफ ई क्या था, माइनस ई ई, ये क्या था, माइनस, माइनस ऑफ ई वी क्रॉस बी। माइनस से माइनस कैंसिल, ई से ई कैंसिल, ई क्या आ गया भाई, माइनस वी क्रॉस बी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। नाउ पीछे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, V इक्वल टू माइनस E डॉट डी एल, याद है कुछ, V इक्वल टू माइनस E डॉट डी एल, याद आ रहा है कुछ, बोलो, ठीक है। तो V इक्वल टू माइनस E क्या है, माइनस V क्रॉस बी डॉट डी एल, आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी क्या आ गया, वी क्रॉस बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और ये आ गया वी क्रॉस बी डॉट एल, कर दूं, बोलो, बात समझ में आई। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, वी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसको मैं ई लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डॉट डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद हो तो बेसिक बात ये थी कि दो का क्रॉस है, एक का डॉट है, इनमें से दो भी अगर सेम डायरेक्शन में है, तो जैसे V और B x एक्सिस के अलोंग है तो I क्रॉस I जीरो, अगर ये x के अलोंग है तो V I, क्योंकि आपको पता है ये ऑर्डर में है, V क्रॉस B L, तो अगर मैं पहले B को लेता हूँ, अगर मैं पहले B लेता हूँ फिर यहाँ L आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, पता है ना आपको, A क्रॉस B डॉट C, तो A B C ऑर्डर में चलते हैं, वैसे ही V B L ऑर्डर में चलेंगे, तो कोई भी दो अगर सेम हुए तो वो जीरो हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे कि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो यहीं से होता है बेटा, नई चीज़ नहीं है,
ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में V परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L, इफ एनी टू आर पैरेलल देन E इज जीरो। कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये चीज आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। मेन फंडा मैग्नीट्यूड में तो होता है BLV, और ये डायरेक्शन के लिए प्रूव करने के लिए बताया था। जैसे क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैंने इस टाइप से एक रोड ले ली, मैग्नेटिक फील्ड बी, रोड की लेंथ एल, ये इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो बताओ ई कितना होगा, बताओ इस क्वेश्चन में ई कितना होगा। यहां पे एल और वी दोनों पैरेलल है, तो L पैरेलल टू V इसका मतलब जीरो। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो जीरो। क्लियर है, बहुत आसान सवाल। और देखो न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। अब लेंथ को यहाँ पे वेक्टर लिया गया है, L यहाँ पे क्या है, वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में L इज वेक्टर, सो इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो, सपोज करो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये हमने एक रोड ले ली, ये v वेलोसिटी, ये l लेंथ और ये b। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या होगा, e इक्वल टू बी एल वी, खत्म। क्यों? क्योंकि बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी रोड के परपेंडिकुलर, l इसकी लेंथ और b अंदर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बी एल वी आ जाएगा, ठीक है भाई। और देखो, सपोज करो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो, ये देखो यहाँ मैंने इस टाइप से एक रोड ले ली, इसकी लेंथ L, वेलोसिटी 37 डिग्री के एंगल पे है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर V cos 37, एक कंपोनेंट इधर V sin 37। V cos 37 इधर है और ये लेंथ के पैरेलल है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। परपेंडिकुलर चाहिए तो वी साइन 37, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, बी एल वी साइन 37। आई बात समझ में, तो बी एल वी साइन 37 3/5, खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई? इस टाइप का सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ओके, ये सिंपल सिंपल सवाल थे मैग्नीट्यूड के। अब मान लो डायरेक्शन भी पूछ लें तो क्या करें, देखो मान लो आपको दे दिया ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये मेरे पास एक रोड है, इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, क्लियर, लेंथ है 4 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 टेस्ला, ठीक है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ रोड इज 2 ओम, विच टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल। कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल में, देखो भाई क्या करें, सबसे पहले ई, ई क्या होती है, बी एल वी, कब होती है, जब तीनों परपेंडिकुलर, बी अंदर एल इधर ये इधर, तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये कितना होगा, बी कितना है भाई 2, एल कितना है 4, ये भी 4, 32 वोल्ट आ गया। करंट कितना आ गया, ई बटे आर, तो 32 बटे में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, 16 एम्पियर, ठीक है। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालो, तो
तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मोशन किधर, इधर, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल होता है। तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, और मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आया, 32 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल। दूसरा, ये जो रोड थी इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये जो रोड है फील्ड में ये इसके बराबर, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है और ये हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल यहाँ आ गया, लोअर पोटेंशियल यहाँ आ गया, तो इसका मतलब इस रोड में जिसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है इसको मैं इस टाइप से डिनोट कर सकता हूँ, हाँ या ना। एक रोड जिसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, हायर पोटेंशियल निकालना है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। और देखो, सपोज कीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ये इस टाइप से आपको एक सेमी सर्कुलर लूप दे दिया, खाली है ये, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, रेडियस आर, ठीक है, फाइंड मोशनल ईएमएफ, विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। तो इसमें क्या करें, सबसे पहली बात मान लो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r। तो ये लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, तीनों परपेंडिकुलर, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पोटेंशियल आएगा, तो क्या हो गया, बी एल की जगह 2r और वी, क्या आंसर आ गया, ठीक है। अब कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे लेंथ, तो ये चेक करते हैं, राइट हैंड रूल, फील्ड अंदर, मोशन ऊपर, किधर आया करंट, इंड्यूस करंट इधर, इधर का मतलब ए की तरफ, करंट अगर इधर जा रहा है इसमें तो ए पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो ए एट हायर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू बी टू आर वी, क्या मेरी बात समझ में आई, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो बताओ, अब यहाँ देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 2r है, ये बी इधर है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो L पैरेलल टू V, तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ जीरो, क्या मेरी बात समझ में आई, L B के पैरेलल है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर, ओके। तो ये बात समझ में आ गई, कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्लियर भाई, ये भी बात समझ में आपको आ गई। सपोज करो कोई आपको एक सवाल ऐसे दे दे, ये A ये B और ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसमें क्या होगा, सोचो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये ऐसे है, तो ये a पॉइंट ये b पॉइंट दोनों के बीच की डिस्टेंस तो चाहिए मुझे, कैसे क्या करूं, मान लो ये एंगल कितना 37, ये भी 37, ये डिस्टेंस 10 मीटर, ये 20 मीटर, क्या करें, सोचो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ये और ये, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये चाहिए, तो ये 10 है, ये एंगल ये 90, बेस परपेंडिकुलर बटे हाइपो, एक्स मान लें तो एक्स बाई 10 परपेंडिकुलर बटे हाइपो, परपेंडिकुलर हाइपो साइन, साइन 37, साइन 37 तीन बटे पाँच, तो एक्स क्या हो गया 3/5 गुणा 10, 6 मीटर, 6 मीटर आ गया, ठीक है। इसी टाइप से ये निकालो,
तो ये 90 बेस परपेंडिकुलर, इसको वाई मान लो, तो वाई बटे में 20 साइन 37 तीन बटे पाँच, पाँच चौक 20 चार तिया 12, ये कितना आ गया भाई 12 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 12 और 6 18। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया बी एल वी, क्यों B अंदर वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, अरे मैंने ये क्यों लिया ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि L के परपेंडिकुलर चाहिए। तो B कितना भाई मान लो 10 टेस्ला, L कितना आ गया 18 और वेलोसिटी कितनी है 2, कितना आ गया 18 × 36 360। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो बी एल वी में बी अंदर है, एल और वी भी परपेंडिकुलर चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई आई थिंक। धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहे हैं, देखो और देखो। सपोज करो मेरे पास एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी। क्लियर, ये इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी आर। क्लियर, फाइंड मोशनल ईएमएफ ऑफ लूप, लूप का बताओ भाई। तो इस लूप को दो पार्ट में तोड़ दो, इस लूप को दो पार्ट में तोड़ दो। कैसे, अगर मैं लूप लेता हूं, देखो ध्यान से, सी ए डी, सी ए डी लूप लेता हूं, तो ये लूप इधर जा रहा है और लेंथ भी इधर जा रही है। मेरी बात समझ रही है, समझ रहे हो? तो देखो फोर सी ए डी, सी ए डी और सी बी डी अगर दोनों लिए जाएं तो दोनों के केस में जी है जीरो आएगा, फॉर सी ए डी एंड सी बी डी लाइक दिस। फील्ड अंदर ये ऐसे, ये जो लेंथ है 2R, क्या ये लेंथ या V के पैरेलल है? तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इन दोनों केस के लिए ईएमएफ जीरो आएगा, क्योंकि ये जो लेंथ आने वाली है इनकी वो V के क्या है पैरेलल, जीरो। लेकिन अगर मैं इसको लूँ ऐसे फोर ए सी डी ए सी बी, समझना ए सी बी और ए डी बी, तो ये ऐसे आएगा फील्ड ऐसे, ठीक है, ये किधर जा रहा है इधर, ये बी। तो क्या हो गया देखो, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 2R, तो V के ये लेंथ परपेंडिकुलर ये अंदर, तो इंड्यूस में क्या आएगा B 2R V। क्या मेरी बात समझ में आई? और हायर पोटेंशियल चेक करना है, फील्ड अंदर मोशन इधर ऊपर A, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी। क्या बात समझ में आ रही है? यस, कर सकते हैं इस टाइप का सवाल। तो मेरे ख्याल से मोशनल ईएमएफ का कोई भी सवाल आपके पास आ जाता है तो आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट देखो, और इंड्यूस करंट जिधर जाएगा वही पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट का पोटेंशियल दे देंगे, दूसरे का निकालना आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलो और देखते हैं। सपोज करो मेरे पास इनफाइनाइट वायर है करंट कैरिंग आई, यहां से हमने इस टाइप से वायर ले ली फाइनाइट लेंथ की एल, और ये वायर ऊपर जा रही है बी वेलोसिटी से, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा सोचो, लेंथ ऐसे और वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी ऐसे, क्या आएगा जीरो, क्योंकि एल और वी क्या हो गए पैरेलल, एल और बी क्या हो गए पैरेलल। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे ले लिया जाए, इनफाइनाइट वायर और ये वायर यहाँ से ए डिस्टेंस पे है एल डिस्टेंस की ए बी, ठीक है, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। इसके जितने भी पॉइंट हैं, है ना,
क्या सभी पॉइंट की डिस्टेंस सेम है? सेम है ए, तो इसका मतलब इसकी वजह से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ऑन द वायर कितना होगा? क्या होता है? म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई। मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, और आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसका फील्ड कहाँ आएगा? इनवर्ड। कहाँ आएगा? इनवर्ड। तो म्यू नोट आई अपॉन टू पाई, ये इनवर्ड फील्ड। समझ में आ गया? ठीक है। अब फील्ड इनवर्ड, लेंथ इधर और वेलोसिटी किधर मान लें? इधर। तो वेलोसिटी इधर है, तीनों परपेंडिकुलर, तो आएगा ई क्या होता है? बी एल वी। तो म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई ए, ठीक है, एल की जगह एल और वी की जगह वी। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई ए बी की वैल्यू एल वी। मैंने तो बी निकालना था, पीछे वाले सभी सवालों में बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला, कहाँ आया? इनवर्ड। समझ में आ गई बात? कर सकते हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है भाई। तो अगर वेलोसिटी ऊपर आ जाती है जीरो, इधर आ जाती है तो कुछ आएगा, क्लियर। अब देखो, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद कोई आपसे पूछे कि भाई वैसे ही इनफाइनाइट वायर, आई करंट फ्लो कर रहा है, इस बार वायर ले ली ऐसे, लेंथ एल, यहाँ से ये ए, अब बताओ ये हिस्सा ए, ये हिस्सा बी, ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ और विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। क्या करें? यहाँ से किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, पर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर। तो आर जब चेंज होता जाएगा तो फील्ड भी हर पॉइंट के लिए क्या होगा? अलग अलग। इसलिए फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स पे जाके एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा डी एक्स, ठीक है, और उसके लिए स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स इनवर्ड होगा, पहले बता देता हूँ, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इधर, या पाम रूल लगा लो, इनवर्ड। पाम का है अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई एक्स, स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया? डी। क्या होता है? बी एल वी। बी एल की जगह क्या है? डी एक्स वी। अरे बोलो, ठीक है, वी कहाँ लेना है? अरे वी तो बता दो, वी तो ऊपर लेना पड़ेगा, नहीं तो आंसर जीरो हो जाएगा, बताऊंगा कैसे आगे। इतनी बात समझ में आ गई, ऊपर जा रहा है। अब डी ई कितना आ गया? बी म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई एक्स डी एक्स वी। टोटल ई एम एफ, टोटल के लिए क्या करें? म्यू नोट आई वी अपॉन में टू पाई कांस्टेंट, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए डिस्टेंस पे। फाइनल क्या हो जाएगा? ए प्लस एल, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नोट आई वी अपॉन में टू पाई, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, ए से ए प्लस एल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका आंसर आया ई म्यू नोट आई वी अपॉन में टू पाई एल एन अपर लिमिट ए प्लस एल माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एल एन ए, पता है ना आपको। तो म्यू नोट आई वी अपॉन टू पाई, लोग ए माइनस लोग भी, आपको पता क्या होता है? लोग ए बाई बी। इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ठीक है। डायरेक्शन, इसका फील्ड अंदर, फील्ड इनवर्ड, मोशन ऊपर, किधर आया करंट? इधर। तो इंड्यूस करंट अगर इधर आएगा तो ए इज एट हायर पोटेंशियल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? इससे चेक करेंगे, सॉरी, फील्ड इनवर्ड, मोशन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसका? इनवर्ड। मोशन कहाँ है इसका? वेलोसिटी ऊपर, किधर आया? इधर ए, तो ए हायर पे, ठीक है। अरे बात समझ रहे हो ना, फील्ड इनवर्ड मोशन ऊपर लेफ्ट,
इस टाइप से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, इसके बाद देखो और अच्छा सवाल करते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, जिस रोड के अक्रॉस आपकी जो रोड थी ना, ये इंड्यूस ईएमएफ आया और ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे था, तो क्या इसको एक बैटरी बना सकते हैं ऐसे? क्या इसको ऐसे एक बैटरी मान लें और ई कितना आया था, म्यू नॉट आई वी अपॉन टू पाई एल एन ए प्लस एल वाई ए, कर सकते हैं ना ऐसे? बात समझ में आ गई, ए हायर पोटेंशियल का मतलब बैटरी बन गई है, क्लियर? ओके, चलो एक सवाल और देखो। ऐसा ही यही रोड है, ये एल ये इधर जा रही है, ई कितना होगा, एल और वी पैरेलल है, क्या हो गया, जीरो। बात समझ में आ गई ना? तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ओके, इसके बाद देखो, मान लो आपके पास इस टाइप से एक रोड आ जाए, सॉरी लूप आ जाए, यहाँ से डिस्टेंस ए, लूप की साइड एल, और ये लूप ऊपर जा रहा है, सुनना ध्यान से, ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये वाली लेंथ इसके पैरेलल जीरो इंड्यूस ईएमएफ, ये वाली लेंथ इसके पैरेलल जीरो इंड्यूस ईएमएफ, इन दोनों में आएगा, अरे हाँ या ना? और अभी अभी हमने निकाला था इसके लिए कितना आया था, अभी अभी हमने निकाला था, इसको हम ऐसे बना दें तो मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका जीरो क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल है, हाँ या ना? इसकी वजह से हमने निकाला था, तो ए बी और ई कितना आया था, म्यू नॉट आई वी अपॉन में टू पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, अभी अभी हमने निकाला था यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर जा रही है, इसका फील्ड अंदर जाएगा, फील्ड अंदर जाएगा, मोशन ऊपर लेफ्ट, ए ज़्यादा, यहाँ भी ए ज़्यादा, तो लूप के अंदर इनका जीरो इन दोनों का सेम, और दोनों की सेम डिस्टेंस है, तो फील्ड भी सेम। एक्चुअली ई दोनों का सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ए और एल की वैल्यू सेम है और फील्ड भी सेम आएगा, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। मेरी बात समझ पा रही हो? क्लोज लूप है, क्लोज लूप में ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है, क्लोज लूप में ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई, इन दोनों का कुछ होगा नहीं, जीरो। यहाँ पे कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा क्योंकि दो पैरेलल है, ठीक है, और सिर्फ इन दोनों का आएगा, और इन दोनों का देखो सेम है इंड्यूस ईएमएफ, इसलिए नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर ये आई, यहाँ से ये लूप ले लिया जाए, यहाँ से ये डिस्टेंस ए और ये एल, और ये इधर जा रहा हो, तो अब इसके पैरेलल ये और ये, इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इसका निकल के आएगा, तो दोनों का इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग आएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ए है तो इसकी ए प्लस एल है, तो दोनों को डिफरेंस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, नेट आ जाएगा, ठीक है, ई नेट आपको निकालना है, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। अब मोशन ऑफ रोड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में दो कंपोनेंट थे, वर्टिकल और आपको हॉरिजॉन्टल। अगर एक बॉडी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहीं भी जाती है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी, ठीक है, अ बॉडी कट्स या कट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट मूव्स अलोंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इफ अ बॉडी फॉल्स डाउन इट कट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है।
जो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, सीबीएसई में पूछे जाते हैं, कैसे क्या करें वो देखो। जैसे क्वेश्चन आ जाए, एन एरोप्लेन ऑफ विंग स्पैन ऑफ 10 मीटर इज फ्लाइंग एट 54 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है वो, और विंग स्पैन उसका कितना है 10 मीटर। ठीक है, बोलो। तो पहली बात ये आती है कि वो सीधा जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, सीधा जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा। अरे बोलो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 10^-4 टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज 60 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग द विंग्स ऑफ प्लेन, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहली बात है प्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, बी साइन डेल्टा। ध्यान रखना इसका, बी क्या दिया हुआ है 10^-4 और साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया, आ गया, सवाल खत्म। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, BLV। बी कितना आ गया, √3/2 10^-4। एल क्या है, विंग स्पैन, विंग स्पैन कितना दिया हुआ है 10 मीटर। और वी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो 54 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लो 15 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट मैंने ऐसे ही वैल्यू ले ली कुछ भी, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो 75 √3 10^-4। आंसर आ गया हमारा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इस टाइप से मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आपसे पूछो भाई इंड्यूस ईएमएफ किस साइड ज़्यादा होगा, निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रोड कोई प्लेन वगैरह मूव करती है तो कैसे सवाल आएंगे, इस टाइप से। फील्ड क्या चेंज करना है वो देखो, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है, सीधा मूव करे तो वर्टिकल, ऊपर से गिरे नीचे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ऐसा सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इधर क्वेश्चन आ जाए, अ रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर फॉल्स वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन अलोंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब रोड इस टाइप से है कि एक हिस्सा ईस्ट में है, दूसरा वेस्ट में है, और ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, ओके। यहां दिया हुआ है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 × 10^-4 टेस्ला, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग द रोड एंड विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, कौन सा हिस्सा हायर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या करें, देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। रोड ऐसे गिर रही है नीचे की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे यू है रोड,
तो बी एल वी में तीनों परपेंडिकुलर हो गए, पहली बात तो तीनों परपेंडिकुलर हो गए तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ए इतना आएगा बी एल वी, और जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्टिकल दिया हुआ तो हॉरिजॉन्टल निकालना पड़ता। तो बी कितना दिया हुआ है भाई, 2 × 10⁻⁴। एल कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है, 10, तो कितना हो गया 220 200, तो ई आ गया 210⁻²⁪ वोल्ट, और आई थिंक 0.02। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसने पूछा है कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, इसके लिए देखो क्या करें, कहाँ जा रही है, नीचे, ठीक है। फील्ड किस साइड है, साउथ से नॉर्थ, मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है मान लें, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या फिर अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेके चलें तो बेटा इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, समझ लो, इधर नॉर्थ इधर साउथ, जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिए बस, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, साउथ से नॉर्थ, सॉरी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर साउथ से नॉर्थ, अर्थ का फील्ड इधर, रोड ऐसे पकड़ी हुई है, ऐसे नीचे गिर रही है, तो इंड्यूस करंट किधर आएगा, चेक करो, मोशन कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया इधर, इधर साउथ था इधर नॉर्थ था, हो गया। फील्ड कहाँ है, नीचे, ये किधर आया, इधर, इधर क्या था, ईस्ट, इसका मतलब इंड्यूस करंट क्या आया, ईस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड करंट इज अलोंग ईस्ट, सो द टर्मिनल या सो द पॉइंट ऑफ रोड अलोंग ईस्ट इज एट हायर पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आई, जो रोड का पॉइंट ईस्ट की तरफ होगा, जैसे ब्लैक वाला पॉइंट ईस्ट की तरफ था, तो ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर, करंट इधर जा रहा है, क्लियर। तो वही बातें हैं सेम, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने अपनी तरफ से लिया था, यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन यूँ चल रही है सीधी, तो वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगी। अब ट्रेन की लेंथ ऐसे हो गई, तो जो ट्रैक होती है रेल्स, उसके बीच में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, हम लोग कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये रोड जो है अब साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है और अब नीचे गिरी, तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ आएगा नहीं आएगा। तो ये देखो इसकी लेंथ एल इधर, फील्ड भी साउथ नॉर्थ में, तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के क्या हो गया, पैरेलल, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि बी एल वी तीनों ही क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई दो पैरेलल होते हैं क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर रोड ऊपर से नीचे गिरती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ में नहीं आएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाते हैं, नीट में जनरली पूछ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मोशन ऑफ रोड इंड्यूस ईएमएफ के सवाल समझ में आ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी आ गए होंगे। कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे के लेक्चर भी मिलते रहें। थैंक यू।